गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस क्लास 10th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है प्रूफ दैट अंडररूट 5 इज इरेशनल। तो हमें अप्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। तो हम फर्स्ट लिखेंगे लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। सो वी कैन फाइंड इंटीजर आर एंड एस। इसमें हमने लिखा लेट अस सपोज, हमें सपोज करना है कि जो रूट 5 है एक रैशनल नंबर है और हमें आर और एस फाइंड करने हैं कि वो इंटीजर है। तो सच दैट अंडर रूट 5 इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो एक आर जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर के बराबर है जो कि आर और एस है। तो आर और एस एक कॉमन फैक्टर है। आर एंड एस सम कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। तो अंडर रूट 5 उसके बाद ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा, ए और बी इसके जैसे ही आर और एस के जैसा ही। तो ए एंड बी आर को प्राइम्स, ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। देन बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 5 ऐसे और ए। हमने अब स्क्वेयर किया दोनों साइड, तो स्क्वेयर किया तो दोनों साइड ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर लगाएंगे। स्क्वेयर हमारे पास जो आंसर आ गया बी स्क्वेयर अंडर रूट 5 होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो 5 बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। तो जब हम किसी भी दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या किया कि b अंडर रूट 5 लिखा इक्वल्स टू a, तो b अंडर रूट 5 होल रेस्ट पावर 2 a रेस्ट पावर 2। तो अलग अलग करके लिखा a स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसके बाद स्क्वायर से रूट कट गया, 5 बी स्क्वायर आया ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो हम अब राइट कर रहे हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो 5 क्यों बना, जब दो बार 5 को अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करें, जब बेस सेम हो पावर्स ऐड किए जाते हैं तो हाफ एलसीएम आ गया 1+1 2 और क्या जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया सबको। इसी के बाद इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट बच जाता है वो हम राइट कर रहे हैं। 5
डिवाइड्स कर रहा था ए को, सो ए इक्वल्स टू 5 से लिखा फॉर सम इंटीजर्स, इंटीजर्स से तो हमने वैल्यू पुट कर ली। अब किसकी, सी की जगह पे ए डालना है, जो ए सॉरी ए था वहां पे सी डालना है। 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 बी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। 5 से 5 25 काट दिया तो बी स्क्वायर 5 सी स्क्वायर, तो डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं बी स्क्वायर को, तो हमारे पास जो प्राइम प्रॉपर्टी रही तो 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम दोनों इक्वेशंस को जो दोनों टर्म्स थे, जो पहले वाला था और सॉरी ये दूसरे वाला और पहले वाले को कंपेयर करेंगे, तो हम इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमने माना था क्या, कि अनरूट 5 इज रैशनल, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। तो हैंस अनरूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 25 इज इरेशनल। हमें यह प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।